मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़-ए-हक के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो महीना है ये बड़ा अहम महीना है और हम सब जानते हैं कि क्रिसमस की आमद आमद है और हर तरफ क्रिसमस की इस बड़ी सेलिब्रेशन को मनाने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ तैयारी की जा रही है। और सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मलेशिया में एक चर्च है जो कि उर्दू चर्च भी कहलाता है और वहाँ पे जो क्रिसमस की तैयारी है वो भी की जा रही है। तो आज मैं उसी चर्च को आपके सामने लेके आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्रिसमस की सेलिब्रेशन को मनाने के लिए हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस क्रिसमस पर वहाँ पे क्रिसमस की इस बड़ी सेलिब्रेशन को मनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्रिसमस की किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, चर्च को किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। ये साथ साथ जो फुटेज हैं ये आप इस प्रोग्राम में देखेंगे भी, और आप ज़रूर उन तमाम लोगों के लिए दुआ भी करें जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस का जो प्रोग्राम है या इस क्रिसमस पे वहाँ पे मलेशिया में जो चर्च अपना जो प्रोग्राम कर रहा है वो कर रहा है 16 दिसंबर को, और ये एक बड़ा इवेंट होगा। और नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे भी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में नहीं, कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि मलेशिया में बसने वाले जो पाकिस्तानी लोग हैं वो किस तरह से इस क्रिसमस पर जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है उसको मना रहे हैं। तो ज़रूर आप ये तमाम फुटेज भी देखें जहाँ पे क्रिसमस की तैयारी की जा रही है, चर्च को डेकोरेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ के जो पासवान हैं, पास्टर अकरम जॉन साहब, जो कि पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं लेकिन आजकल वो मलेशिया में हैं और उर्दू चर्च की वो पासवानी कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी बड़ी ये खुशी की बात थी। और क्योंकि नेशनल न्यूज़नामा की टीम भी पिछले दिनों मलेशिया में थी तो उन्होंने उस चर्च को विज़िट भी किया, पास्टर अकरम जॉन के साथ वक्त भी बिताया, और उन्होंने देखा कि किस तरह से पास्टर अकरम जॉन जो है वो पाकिस्तानी मसीहों के साथ मिलकर क्रिसमस की इस बड़ी खुशी को मनाने के लिए चर्च की जो डेकोरेशन है वो अपने हाथों से कर रहे हैं। चर्च की डेकोरेशन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर अकरम जॉन ने अपने हाथों से वहाँ पर बसने वाली जो क्लीसिया है अपने हाथों से उनके लिए गिफ्ट जो है वो पैक कर रहे हैं। और आप इनकी सारी ये बातचीत सुनेंगे भी, आप ज़रूर इनके लिए दुआ करें, इनके चर्च के लिए दुआ करें, वहाँ पे जो हमारे बसने वाले पाकिस्तानी हैं आप उनके लिए दुआ करें, और ख़ास करके पास्टर अकरम जॉन के लिए आप दुआ करें जो कि मलेशिया में रहते हुए खुदा की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तानी मसीहों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वो लीड भी कर रहे हैं। और ये बड़ा एक अच्छा नमूना है जो वहाँ पे दे रहे हैं, और नेशनल न्यूज़नामा की टीम ने वहाँ पे देखा कि वो किस तरह से खिदमत करने के साथ साथ लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, लोगों की जो मेडिकल प्रॉब्लम है या उनके जो फाइनेंशियली तौर पे जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, ये पास्टर अकरम जॉन साहब हर फील्ड में उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर अकरम जॉन साहब ने ख़ास ये पैगाम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, और वो चाहते हैं कि नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन से ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचे कि आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जो कि पाकिस्तान से मलेशिया में हैं, क्योंकि कई दफ़ा उनके लिए जो रोज़गार कमाना है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चर्च जो है वो उनको बड़े अच्छे तरीके से संभाले हुए है। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि चर्च में क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है
उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे जो यहाँ के मुकामी पासबान हैं पास्टर अकरम जॉन साहब, आप देखें कि वो कितनी दिलजोई के साथ इन तमाम गिफ्ट्स को जो है वो पैक करने में लगे हैं अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, जिसमें तारिक भाई हैं, ये अंकल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और अंकल जी भी दिलो जान के साथ यहाँ पे काम करते हैं। एक पासवान का इस तरह से अपनी कलीसिया के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मलेशिया में रहते हुए कीपोंग सिटी में मैं पास्टर अकरम जॉन साहब इसकी एक जिंदा मिसाल हैं। और मैं अपने प्रोग्राम के वसीला से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने मुल्क में रहते हुए तो हम ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में आकर इस तरह से खुदा की खिदमत करना और लोगों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये आसान काम नहीं है। लोग तो बाहर आके भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पास्टर अकरम जॉन साहब जो हैं वो बड़ी लगन के साथ इस सारे काम को कर रहे हैं। असद साहब, सर, हम थैंक यू करते हैं आपको कि आप ये सारा काम कर रहे हैं और क्रिसमस की सेलिब्रेशन में जो है ये एक तो आप खिदमत का काम कर रहे हैं और दूसरा ये जो इस तरह से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है ये करना आसान नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? खुदा यसू मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में सबकी सलामती हो। देखें जी, ये तो एक खिदमत का हिस्सा है कि जिस तरह खुदा यसू मसीह की पैदाइश का दिन बहुत करीब है, जिसमें पूरी दुनिया में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए ये एक बड़ी एक वाहद हस्ती है कि जिसकी बर्थडे को मनाया जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी तकरीबन एक महीने से यहाँ पर जो है वो तैयारी के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा 16 तारीख को जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो रहा है और हमारे तकरीबन पूरी टीम जो है बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है वो लगी हुई है ताकि किसी चीज़ की भी जो है वो कमी ना रह जाए। अभी हम लोग ये गिफ्ट पैक कर रहे हैं और ये तो बस थोड़े से गिफ्ट हैं, अभी बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं जिनको हमने पैक करना है, क्योंकि तकरीबन 300 लोगों को जो है हमने गिफ्ट जो है वो देना होगा। और इसी तरह हमारे पास जो है वो ये क्रिसमस गिफ्ट, ग्रोसरी और भी बहुत सारे तरीकों से फाइनेंशियली जो है वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, हमारी टीम कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हमें ये जिम्मेदारी दी ताकि हम जिम्मेदारी के साथ इस सारे काम को जो है वो सर अंजाम दे सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल चैनल न्यूज टीम का भी कि जिन्होंने जो हमारे साथ खाली ये कवरेज नहीं कर रहे बल्कि हमारे साथ पूरा पूरा काम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब की तरफ देखें तो डॉक्टर साहब भी बड़ी ध्यानदारी के साथ कोई भी काम करना है तो कई दफा हम उनको कहने से शर्माते हैं कि यार ये एक डायरेक्टर आदमी है तो ये हमारे साथ ये काम करेगा, लेकिन वो सारा काम जो भी हम पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए कर रहे हैं सब कामों में हमारे साथ वो जो है खड़े हुए हैं। तो आप अपनी दुआ में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम दें और अपने लोगों तक और मलेशिया में जहाँ कहीं भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी फैमिली नीडी हमें नज़र आती है जिनको हमारी एमरजेंसी में अर्जेंट की जरूरत होती है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप ज़रूर जब इस प्रोग्राम को देखें आप पास्टर अकरम जॉन के लिए दुआ करें, आप उन तमाम पाकिस्तानी लोगों के लिए दुआ करें ताकि उनके लिए जो रोज़गार है वो बेहतर से बेहतर हो सके, ताकि वो अपने ख़ानदानों का जो अच्छे से बंदोबस्त कर सकें और यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो पैसे भेजें ताकि हमारे मुल्क में जो पैसे का लेन देन है उससे हमारे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा होता है। आप इस प्रोग्राम को देखें और अगर आपकी कोई राय है, अगर आपका कोई ख्याल है तो आप ज़रूर नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर इसको शेयर भी करें ताकि हम मलेशिया में तो जो हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी चर्च के वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इसके अलावा हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी दुनिया में हमारे लोग बैठे हैं और वो क्रिसमस की इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करें, हम उनसे राब्ता करें ताकि नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर इस बार आपको दुनिया के कोने कोने से, पाकिस्तान से जो दूसरे मुल्कों में मसीही हैं उनका बता सकें कि वो किस तरह से क्रिसमस की इस बड़ी खुशी को मना रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारो को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़।